हुआ बेबी? मम्मा, एक बात बताओ नाना, तुमने क्या शनाया के फोन से स्वाति को मैसेज किया था क्या? हाँ जी मम्मा, मैंने किया था। तान्या मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? इसको क्या लगता है मैं इसकी तरह डाउन मार्केट जैसे लोगों से बात करने वाली हूँ? नीना इतनी गंदी ड्रेस पहन कर आई थी, इतनी सस्ती और गंदी। अरे अगर वो अमीर नहीं रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उससे दोस्ती तोड़ दोगे, उसका फोन उठाना बंद कर दोगे। जी हाँ, मैंने दो दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। क्या क्या पढ़ाई हुई है बता देना। यार अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है मैं उसी चैप्टर का टेस्ट ले दी होंगी जो मैम ने लास्ट 2 डेज में पढ़ाया है। तान्या का फोन आ रहा है, उससे हेल्प ले लूं? पर हमेशा मैंने उससे इतनी रूडली बात की है, पता नहीं ये मेरी हेल्प करेगी या नहीं। उठा लेती हूँ। हेलो। हेलो तान्या। हाय तान्या, तुम 2 दिन से एब्सेंट थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लूं। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरे पेट में दर्द था पर अब मैं ठीक हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। सुनो तान्या। हाँ बोलो नान्या। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो कल मैथ्स का टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है? हाँ मैं बता देती हूँ, इनफैक्ट तुमने वो चैप्टर्स भी मिस कर दिए। ऐसा करो तुम अपनी बुक निकालो, मैं तुम्हें चैप्टर समझा देती हूँ। अगर तुम मुझे पढ़ाओगी तो खुद कब पढ़ोगी? अरे तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी, डोंट वरी, तुम अपनी बुक निकालो। ठीक है। Later. रमी अपना क्रेडिट कार्ड दो ना। अरे क्या करना है क्रेडिट कार्ड? शॉपिंग करनी है और क्या करना है? अरे बुनी तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, जो इतनी बड़ी डील करी थी मैंने उसकी पेमेंट आने को ही नहीं हो रही। तो आ जाएगी। अरे बहुत दिन हो गए वेट करते करते, आज मनीष जी का फोन आना है पेमेंट का फाइनल अपडेट देने के लिए। तब तक आप क्रेडिट कार्ड तो दो ना। अरे यार तुम भी ना, बस तुम नहीं मानोगी। हेलो। हाँ जी मनीष जी, क्या क्या क्या? अरे अरे मेरी पेमेंट। अरे मनीष जी, अरे बात तो, हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे पुनीत, मनीष जी मैं बर्बाद हो गया। क्या हो गया रमी? वो बड़ी वाली डील के लिए मैंने इतना सारा लोन लिया था और जिस कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे वो कंपनी डूब गई। अब टेंशन मत लो रमी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, मैंने इतना बड़ा लोन ले रखा है, उसकी किस्तें कैसे भरूंगा, घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया। रमनीक रमनीक आप शांत हो जाओ रमनीक। अरे कैसे शांत हो जाऊं, तुम मेरी पानी लेके आओ फटाफट। रमनीक रमनीक पानी। देखो पुनीत, तुम्हें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, अब वो हालात पहले की तरह नहीं रहे, अब मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। पर हमने मेरा स्टेटस। अरे तुम्हें अभी भी अपने स्टेटस की पड़ी है या खाने पीने के वांदे हो गए? मैं पता नहीं लोन कैसे चुकाऊंगा और तुम अपने स्टेटस की बात कर रही हो। और ये क्रेडिट कार्ड भी मैं ले रहा हूं, कुछ नहीं दे सकता मैं तुमको। Later. हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।
रानिया ने तो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। मुझे ऐसे कभी नहीं पता था कि जो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स मानती थी वो मुसीबत के टाइम मेरे को मेरी हेल्प नहीं करेंगे, और जिनसे मैं हमेशा मिसबिहेव करती थी वो मेरी हर मुसीबत पे हेल्प करेंगे। मैंने तान्या के साथ बहुत गलत किया, मुझे उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आखिर मुसीबत के टाइम पर वही काम आई। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रहे हो? हाँ बोलो। मुझे ना दीदी को कुछ बताना था। क्या बताना था? छोड़, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ जैस्मिन। अरे नहीं नहीं, वो वाले 5 स्टार नहीं जा सकते। अरे बोला ना बाबा, 5 स्टार नहीं जा पाएंगे। तुझे बताया तो था हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा करते हैं इस बार ना वो कैफे चलते हैं, वो आई थिंक थोड़ा सस्ता रहेगा। हेलो हेलो, मेरा फोन काट दिया, मेरा फोन। रोशनी को ट्राई करती हूँ। मेरा फोन नहीं उठा रही। आप हंस क्यों रहे हो? तुम पर हंस रहा हूं। मुझ पर हंस रहे हो? अरे बाबा, मुझको देखकर हंसी आ रही है कि तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। जब मीना का बुरा वक्त आया था तो तुमने अपने स्टेटस, अपने पैसे के रुतबे के चक्कर में उसका साथ छोड़ दिया, और अब आज जब तुम्हारा बुरा वक्त आया है तो जैस्मिन, रोशनी, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि जब तुमने नीना के साथ ऐसा किया तो उस पर क्या बीती होगी, उसे कितना बुरा लगा होगा। हाँ रनीक, मुझे ना आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को बहुत शर्म आ रही है, मैंने नीना के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चलो देर आए दुरुस्त आए। पर रमनीक अब तो सब बिगड़ गया, अब नीना थोड़ी ना मुझसे बात करेगी। अरे बाबा, तुम कोशिश तो करो इस बुरे वक्त में तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो। दोस्तियां दिल से निपटती हैं, पैसों से नहीं निपटती। आप ठीक कह रहे हो रमनीक। अब तुम खुद बताओ, मुझे बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ, मेरा किसने साथ दिया? मोंटी ने ही ना। मोंटी ने? हाँ बाबा, मोंटी ने। मैं मानता हूँ कि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन तजुर्बा तो है। उसने मेरी आज किसी बंदे से मीटिंग फिक्स करवाई है, अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो हमारी सारी मुसीबतों का हल निकल जाएगा। सच रमनीक? चलो छोड़ो, तुम भी कॉल करो नीना को और उससे माफी मांगो। ठीक है रमनीक, एक माफी मुझे भी मांगनी है। किससे? शिनाया से। मुझसे? हाँ तुझसे। तेरी स्वाति से दोस्ती मेरी वजह से टूटी है। सॉरी शिनाया। दीदी आपकी सॉरी बोलने से मेरे को स्वाति वापस नहीं आएगी, अब वो मेरे से कभी भी बात नहीं करेगी। जब मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूटी है, अब मैं ही उससे माफी मांग के तुम दोनों की दोस्ती जुड़वा दूंगी। चलो तुम लोग अपनी माफिया मांगते रहो, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझको अर्जेंटली जाना है। ठीक है। हेलो नीना। 2 days later। शिनाया। हाँ जी। मैं ना कल तान्या को बुला रही हूँ, तो तू भी स्वाति को बुला ले, हम चारों मिलकर खेलेंगे। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है चल आ जाओ। मैं भी कल नीना के घर जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। अच्छा सुनो ना, तो मैं तुम्हें उसके घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, आप अपना काम करो, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ऑटो पे? और तुम्हारा स्टेटस? मेरा स्टेटस तो तब ऊंचा होगा जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड नीना का हर समय में साथ दूंगी, सुख में भी और दुख में भी। ये हुई ना बात। तो दोस्तों देखा आपने, वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है। हमें चाहिए कि हम कभी भी अपने अच्छे वक्त में घमंड ना करें और दूसरों के बुरे वक्त में उनको अपने से कम ना समझें, क्योंकि इंसान पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता, अपने दिल से और अपने कर्मों से होता है।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या वर्सेस शनाया राखी मेकिंग चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। हाथ से बनाई हुई राखी का तो मजा ही कुछ आ रहा है। DIY राखी गाइस, इन्होंने घर के सामान से बनाई है। मेरी राखी तो ज्यादा अच्छी थी इसकी राखी से। नहीं, मेरी राखी बेटर है। आप ही डिसाइड करो। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया।